Hello everyone, I am Dr. Arpit Bansal. I am a laparoscopic cancer surgeon and also the director of Jeevan Jyoti Hospital, Allahabad. So, as everyone knows, COVID third wave is expected, and scientifically speaking, it will definitely be there. And now it is to the awareness of the our people of country and jitne bhi log hain ki kitni intense hoti hai. Aur ek aur bhi point hai ki wo virus mutate karta hai, kitna deadly hota hai ya nahi. तो हम लोग जैसे सब लोग जानते हैं सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सारी ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीनेशन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. तो वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन ही एक बचाव है इस वायरस के अगेंस्ट. करेंटली हमारे पास कोई वी हैव द ट्रीटमेंट मेथड्स, थोड़े बहुत हमको पता है स्टेरॉयड्स का यूज़, बट वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज एवरी वन नोज, जो आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि वैक्सीनेशन जो इंडिया में अवेलेबल है अभी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही लगभग उतनी प्रोटेक्टिव है. लेकिन वैक्सीनेशन 80% तक प्रोटेक्टिव है. वैक्सीनेशन के दो डोज होते हैं इंडिया में, और अभी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट किए हुए, एक इंटरवल सेट किया है, उसके बाद पे सेकेंड डोज लगाना है. तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि हमको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है. अगर स्पेशली हमको कोविड नहीं हुआ है तब तो दोनों डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे डोज के कम दो हफ्ते बाद के पहले हमको एकदम प्रोटेक्शन नहीं होता है, मतलब उसके बीच में हो सकता है. तो वी हैव टू बी फुल्ली केयरफुल इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, बट दो हफ्ते आफ्टर द सेकेंड डोज के बाद जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है. तो एंटीबॉडी क्या होती है? बेसिकली एंटीबॉडी वो होती हैं जो जब भी कोई वायरस या कोई भी बाहर का ऑर्गेनिज्म आता है तो जो बॉडी के अंदर एक प्रोटीन्स होता है जो कि डिफेंस लाइन मैकेनिज्म होता है. तो हम वैक्सीन लगा के बॉडी को ये एहसास दिलाते हैं कि वैक्सीन इन्फेक्शन हुआ है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव लाइन एक्शन रेडी कर लेता है. अब अगर हमने एक बार वैक्सीन लग चुकी है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से एक तरह से ऑलरेडी एक बार लड़ चुकी है, तो वापस चाहे जब सेकेंड टाइम या इन्फेक्शन होगा या रियल में इन्फेक्शन होगा, पहले वैक्सीन से लगा था और बाद में इन्फेक्शन होगा, तो बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड. सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि इन्फेक्शन नहीं होगा, और होगा तो कम सीरियस होगा. एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन सबको पता है 80% एफिकेशियस है. तो वैक्सीनेशन का आपकी बॉडी पे क्या असर हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सबको पता है कि वैक्सीन लगाना है, दोनों वैक्सीन लगाना है, लेकिन वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट जो करा सकता है वो बहुत ज़रूरी है. कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है ये, लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए और आपको मतलब ऑल वेल प्रोटेक्टेड करने के लिए, अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे तो एंटीबॉडी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, IgM एंटीबॉडीज और IgG एंटीबॉडीज. IgM जो होता है वो एक्टिव इन्फेक्शन के लिए होता है, वो एक बार इन्फेक्शन होने के 6 हफ्ते बाद तक वो ख़त्म हो जाता है. मेन टेस्ट जो हम चाह रहे हैं, जो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कराने के लिए, वो न्यूट्रलाइजिंग या स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिससे जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है, जो हमको एक ब्लड सिंपल ब्लड टेस्ट है, सीरम से होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, और वो कराने से हमको ये पता चलेगा कि हमारे दोनों वैक्सीन्स कितनी इफ़ेक्टिव है. उसकी कुछ वो क्वांटिटेटिव भी आता है टेस्ट, हमको वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगी. और आने वाले दिनों में, अभी तो गाइडलाइंस आई नहीं है इसके बारे में, लेकिन हो सकता है हमको थर्ड डोज भी लगाना पड़े, तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा. ये उम्मीद है कि 6 से 8 से 9 महीने, हो सकता है 1 साल तक हमको एक दो डोज वैक्सीन प्रोटेक्ट करे, लेकिन क्योंकि ये 80% ही एफिकेशियस है, और हर ह्यूमन बॉडी अलग है, तो आप में कितना इफेक्ट किया है वो अगर आप कोविड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर कि आप में कितना इफेक्टिव है. इमटीरियल आपके अंदर अगर एंटीबॉडी है भी, तो भी अगर आप कोई एरिया में गए और वायरल लोड हाई है तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा तो है ही, और लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम होगा अगर आपने वैक्सीनेशन लगाई है और आप में एंटीबॉडी है. तो बस यही मैं एडवाइस देना चाहता था सबको कि एक इफ़ पॉसिबल जो लोग के पास सुविधा हैं और जो लोग करवा सकते हैं, कई लैब्स वगैरह भी इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं सोसाइटी की, तो कोविड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, और उसके बाद भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की प्रिकॉशन लेते रहें. एंड मे गॉड गिव अस ऑल स्ट्रेंथ फॉर फाइटिंग ओवर द नेक्स्ट थर्ड फेज. थैंक यू सो मच.